नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स के बारे में। जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स है उसको मैंने फिल्टर किया है टिकर टेप के वेबसाइट पर। टिकर टेप एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है जहां आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं, आप मार्केट कैप के अनुसार कर सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर आप चाहते हैं तो उसमें फिल्टर कर सकते हैं, मिड कैप में, लार्ज कैप में, मतलब आप जिसमें चाहें उसमें फिल्टर कर सकते हैं, मार्केट कैप के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं, जिस अनुसार चाहें उस अनुसार आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट कैप आपको प्लेस करना है, सारा स्टॉक फिल्टर हो जाएगा, तो आप जैसे चाहें वैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फिल्टर लगाया है उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो मार्केट कैप मिड कैप हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस हमारा ये 92,000 तक है, कोई भी मतलब स्टॉक इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्राइटेरिया है पी का, तो पी में मैंने 0 PE से लेकर के ऊपर जहां तक ये आपने ऑटोमेटिक लिया है वहां तक को मैंने सेलेक्ट किया है, नेगेटिव पी वाले स्टॉक को मैंने छांट दिया है। उसके बाद आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जितना कम हो उतना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उतना अच्छा होता है। तो हमने डेट टू इक्विटी 5 तक को लिया है, इससे ज़्यादा इक्विटी मतलब डेट वाले कंपनियों बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो ज़्यादा हमने डेट वाले कंपनियों को यहाँ पर नहीं लिया है। उसके बाद 5 ईयर्स हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को लिया है। 5 ईयर्स का जो हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होगा वो 10 से ऊपर जहाँ तक ये ऑटोमेटिक लिया है वहाँ तक को मैंने लिया है। यहाँ पर जो निगेटिव ग्रोथ वाला था उसको मैंने हटा दिया है, साथ ही साथ 0 से 10 वाले को भी मैंने हटा दिया है। तो कम से कम 10 होना चाहिए अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ पिछले 5 साल में, मतलब एवरेज ग्रोथ जो होना चाहिए हर साल का वो 10% का होना चाहिए अर्निंग पर शेयर में। उसके बाद 5 ईयर्स हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ, तो रेवेन्यू का ग्रोथ जो है वो भी कम से कम 10% का हो, मैक्सिमम यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक लिया है। कम से कम रेवेन्यू में जो ग्रोथ हुआ हो वो 10% का हुआ हो, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है उसमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है लार्ज कैप के कंपेयर में। उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया यहाँ पर लिया है, प्रॉफिट मार्जिन जो होना चाहिए कंपनी का वो कम से कम 5% का हो। तो प्रॉफिट मार्जिन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट मार्जिन जितना अधिक हो कंपनी का प्रॉफिट उतना ही अधिक होगा, रेवेन्यू अधिक होता है प्रॉफिट मार्जिन भी अधिक होता है, तो कंपनी अधिक प्रॉफिट बनाएगा। जब कंपनी अधिक प्रॉफिट करेगा तो सीधा उसका बेनिफिट किसको होगा, शेयर होल्डर को। तो हमारा जो 5 ईयर्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो 5% से अधिक होना चाहिए, और ऊपर का ऑटोमेटिक यहाँ पर लिया है, तो ये ऑटोमेटिक है, जो जितना प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिक था टिकर टेप में। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया है नेट प्रॉफिट मार्जिन, देख लीजिए 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम 10% मैंने लिया है, 5 ईयर्स का अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ मैंने लिया है, अर्निंग पर शेयर मत समझिएगा, ये अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ है, मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ हो 5 ईयर्स में कम से कम 10% पर ईयर, मतलब एवरेज वैल्यू है 10% पर ईयर। डेट टू इक्विटी रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 5 और मिनिमम 0, तो 0 से कम तो होगा भी नहीं, तो मैक्सिमम हमने 5 तक लिया है डेट टू इक्विटी रेशियो, और पी को मैंने निगेटिव पी को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है। तो इसमें से 10 जो टॉप स्टॉक्स आया है वो यहाँ पर आप देखते हैं। पहला है पॉलीकैब इंडिया, जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। दूसरी अमर राजा बैटरी, बैटरी सेक्टर के स्टॉक मैंने भी बताया था कि अमर राजा बैटरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक में से एक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, तो और ये सबसे बेहतरीन मिड कैप स्टॉक है। उसके बाद है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड, ये कमोडिटी केमिकल सेक्टर से है। और चौथा है कोफोर्ज लिमिटेड, जिसको हम NIT टेक कहते थे पहले, तो ये कोफोर्ज लिमिटेड हो चुका है, नेम चेंज हो गया है, IT सर्विस और कंसल्टिंग से है, काफी बेहतरीन कंपनी है। अगला है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड स्पेशलिटी केमिकल। उसके बाद जो छठी कंपनी है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, इंडस्ट्रियल मशीनरी से है। उसके बाद अगला सातवां स्टॉक है लिंडे इंडिया लिमिटेड, कमोडिटी केमिकल से ये भी है। उसके बाद आठवां है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी से है। और नाइन्थ नंबर पे जो है अवनति फिट्स, जो कि पैकेजिंग फूड एंड मीट से है। और दसवां जो है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस CDSL और NSDL, दो हमारा डीमेट अकाउंट जो होल्ड करती है कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग। ये 10 कंपनी आपने देख लिया, और यहाँ पर जो भी हमने पैरामीटर लगाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारा पी रेशियो से कुछ खास लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी सारे के सारे महंगे हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो मिड कैप स्टॉक है आपको जितना अधिक ये ग्रोथ दे सकता है, जितना अधिक अच्छा रिटर्न दे सकता है, उतना ही ज़्यादा रिस्क है इसमें। मतलब अभी मार्केट क्रैश होता है तो सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप स्टॉक में ही होगा, लार्ज कैप स्टॉक से ज़्यादा।
तो ये याद रखिएगा कि जितना अधिक ये रिटर्न आपको देता है उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्क भी है, तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलिएगा। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उसी के अनुसार आपको इन्वेस्ट करना है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया का 4 का है और सबका तो कम है। फिर यहाँ पर लिंडे इंडिया का, इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 4.99 है, मतलब 5 का है अप्रॉक्स। फिर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका भी 3.59 का है। तो जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो अधिक है वो कंपनी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके ऊपर डेट का बर्डन ज़्यादा है। तो ये बातें आपको देख के चलना, और सब जो है ठीक ठाक है। और यहाँ पर देख लीजिए अवनति फिट्स, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, ये तो काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, तो डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सारा का सारा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा किसका है, तो यहाँ पर नवीन फ्लोरिन का सबसे अधिक प्रॉफिट मार्जिन है। फिर इंडिया एनर्जी, जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, इसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे अधिक है 53 का, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इसका भी 44 का है। तो इसका आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 कंपनी है और 10 कंपनी का ये जो पैरामीटर है ये हमने आपको बता दिया, किस तरह से हमने स्टॉक को फिल्टर किया। इसी तरह से फिल्टर करने के लिए सीखना है आपको, और ये 10 स्टॉक है, 10 में से कोई भी स्टॉक आप चुन सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा आपके लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का व्यू का मतलब 5 ईयर्स से 10 ईयर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। कंपनी के रिजल्ट पर आपको लगातार नजर बनाए रखना है, और रिजल्ट देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां हम लगातार रिजल्ट पोस्ट करते रहते हैं। जो भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो आपके टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां देखने मिल जाएगा। और यहां पर हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ सबसे ज्यादा देख लीजिए किसका है, नवीन फ्लोरिन का है, और यहां पर लिंडे इंडिया का है, और फिर अवनति फिट्स का है। तो इस तरह से सारा चीज़ यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 10 टॉप 10 जो टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।